बस दोस्तों बस इंतज़ार ख़त्म आप लोगों का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया। फाइनली आज की वीडियो में आप लोगों को एक हाईली कस्टमाइजेबल थीम के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अप्लाई करके आप लोग अपने फ़ोन में काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन और मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टमाइजेशन भी आप लोग काफ़ी कमाई देखने को मिलेगी, मॉडिफिकेशन दोस्तों बात करें तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो कौन सी थीम का ये होने वाला है, इसकी सारी जानकारी आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगी। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को बेल को जरूर से ऑन करें, ताकि मैं इस तरह की कोई भी वीडियो को अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तो सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो जैसे अगर इस थीम को जैसे आप लोग अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद सबसे पहले जो चेंजेस आपको देखने को मिलेगी, आपकी जो होम स्क्रीन की वॉलपेपर है वो आपको डॉल वाली बाइक वाली वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। और उसके बाद जो आइकन पर देखने को मिलता है दोस्तों, वो भी काफ़ी डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, कार्टूनिस्ट लुक आपको देखने को मिल जाता है आइकन पर की बात करते हैं तो। और उसके अलावा अगर जाता है तो डायल पैड वगैरह, आपके फोन में MIUI की डायलर है, अभी का फोन जो भी आता है दोस्तों उसमें गूगल डायलर मिलता है, तो उसमें आपके फोन में काम नहीं करेगा। पर आपके फोन में अगर MIUI की डायलर है तो जब जैसे आप डायलर को ओपन करेंगे तो आप लोग काफ़ी कस्टमाइजेबल डायल पैड देखने को मिल जाता है, काफ़ी दोस्तों डिफरेंट सा लुक आपको देखने को मिलता है, एक डिफरेंट सा UI आपको यहाँ पर एक फ़ोन देखने को मिलता है, जो गाइस देखने में काफ़ी कूल लगता है। इसके अलावा अगर आपके फ़ोन में MIUI मैसेज है तब भी आपके फोन में वहाँ पर ये थीम को अप्लाई करने में तो वहाँ पर कस्टमाइजेशन देखने मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके फोन में MIUI 12.5 या फिर 12 वाली कंट्रोल सेंटर है तो कुछ इस तरह के इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसके अलावा अगर जाते हैं फोन के सेटिंग में, उसके बाद जाते हैं माई डिवाइस में गाइस, तो देख सकते हैं माई डिवाइस में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर भी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। ये थीम आप लोग को यहाँ पर भी हर जगह आपके सिस्टम, आपके कोर सिस्टम में दोस्तों यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। अप्लाई होने के बाद देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लुक हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है हर जगह दोस्तों। अगर आपके फोन में MIUI 13 की अपडेट है तो MIUI 13 की कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी आप लोग जाएंगे सेटिंग वगैरह में, अबाउट फोन में, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी थीम काफ़ी अच्छी तरीके से दोस्तों यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। और बाकी जो आइकन आपको देखने को मिलता है सेटिंग में आने के बाद, जो आइकन देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी कमाल के दोस्तों यहाँ पर आइकन देखने को मिल जाता है। और अगर आप लोग वॉल्यूम कंट्रोल को यहाँ पर ऑन करेंगे तो देख सकते हैं आप लोग को वॉल्यूम कंट्रोल भी आप लोग यहाँ पर कस्टमाइज होता हुआ दिख जाता है यहाँ पर आप लोग को। तो इस थीम को अप्लाई करने के बाद आपकी जो वॉल्यूम कंट्रोल बार है वो भी यहाँ पर कस्टमाइज हो जाता है। और दोस्तों थीम की बात कर लेते हैं, तो थीम का नाम है कार्टून बाइक इज़ V13 और डिज़ाइनर का नाम है ईजान, और ये आपके MIUI 12.5 और MIUI 13 पे काम करता है। बाकी दोस्तों लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। और देख सकते हैं इस थीम को अप्लाई करने के बाद देख सकते हैं हमारे जो विजेट्स वगैरह है दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंट टाइप विजेट देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं इस पर टाइप करके आप लोग मीडिया वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। इस पर टाइप करने के बाद आप लोगों को शॉर्टकट्स, जो जैसा कि आपको शॉर्टकट्स भी देखने को मिल जाता है, तो फोन को लॉक करेंगे तो लॉक स्क्रीन पे आप लोग को देख सकते हैं काफ़ी सारे शॉर्टकट्स देखने को मिल जाता है। आप लोग किस करेंगे तो आपका फोन यहाँ पर डायल पर आप लोग डायरेक्टली अपने लॉक स्क्रीन पर रहते हैं यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने फोन के लॉक स्क्रीन पर आप लोग किसी को कॉल करना चाहते हैं, सिंपली इस आइकन में टैप करके फोन कॉल लॉक करके आप लोग किसी को डायरेक्टली यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो लॉक स्क्रीन दोस्तों आप लोग काफ़ी सारे कस्टमर से देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों वॉलपेपर जो है आपको लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन दोनों जगह सेम वॉलपेपर देखने को मिलता है। और राइडर बाइक करते हुए आप लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और फिर मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में।